है मौसम जी जी सही गल है ना जब फिर लवली का पता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नवीद भाई में और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो इस टाइम मैं अपनी हवेली में हूँ, जिस हवेली में जो न्यू मकान हम तैयार करवा रहे हैं। तो कल ना दोबारा जो ना मिस्त्री शुरू कर दिए थे प्लस्तर के लिए, और एक दीवार हमने बाहर वाली प्लस्तर की थी और रात को बारिश आ गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी दीवार थी तो इतनी सी रह गई थी, और बाकी इतनी सी जो ना वो मिस्त्री भाई ने कवर कर दी थी, प्लास्टर कर दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सेफ़ है दीवार हमारी, बारिश भी थी लेकिन ये बिल्कुल सेफ़ है। और आज दूसरा दिन और ये प्लास्टर करनी है। अच्छा तो प्लम्बर वाले भाई आते हैं और वो अपना काम जो ना वो शुरू करते हैं, जरियाँ वगैरह लगाते हैं। तो फिर उसके बाद सामान वगैरह लेके आना है, इलेक्ट्रिशियन का भी, पाइप वगैरह, और प्लम्बर वाला भी सामान जो है वो लेके आना है। अच्छा यार, घर में इंटर होते ही सबसे पहले तो एक रूम है हमारा, यानी कि बेडरूम, ड्राइंग रूम, जो मर्जी समझें आप, जानवरों का ये रूम है। ये देखें किस तरह का मैंने बनाया हुआ है। ये दीवार मैंने बनाई हुई है एक खुद, और एक ये दीवार, और ये दरवाज़ा रखा हुआ है जानवरों के लिए। और यहाँ पे एक बटन है, ऑन ऑफ हो गया जी। तो जानवर अभी चारा वगैरह खा रहे हैं, ठीक है। और इससे आगे ये जी हाल में इंटर होने के लिए मेन डोर, एक मेन डोर तो वहाँ लगेगा लेकिन अभी बाउंड्री वगैरह करनी है इसलिए। और साथ ही हाल में इंटर होते ही सीढ़ियाँ सीधा ऊपर, और एक नीचे वाशरूम है। घर में सिर्फ एक ही वाशरूम दिया है, किसी कमरे को अटैच वाशरूम नहीं किया, और दूसरा वाशरूम जो है वो एक ऊपर बना, नीचे सिर्फ एक ही वाशरूम है। और एक ये कमरा है, इस कमरे की चिगाठ रह गई थी और अभी वो रह गई है, ये कमरा है और एक ये कमरा। तो अच्छा जी, ऊपर से ये तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, ये भी प्लास्टर कर दिए छत, और इस कमरे की भी छत प्लास्टर कर दिए, ठीक है। और अभी सिर्फ जो काम रह गया, एक किचन की छत करनी है और एक ये हाल की, सारी छत अभी प्लास्टर करनी है, फिर उसके बाद नीचे वाला काम शुरू होगा। क्योंकि ये देखें ना, पाइप वगैरह डालने हैं बिजली के इसलिए, और प्लम्बर के पाइप जो है ना वो पानी वाले पाइप वो भी डालने हैं, तो इसलिए ये काम थोड़ा सा रह गया। तो अभी आज मिस्त्री भाई यूँ ही आते हैं तो फिर बाहर वाली दीवार शुरू करते हैं जी। तो घर का कुछ इस तरह का व्यू है, और गधे को मैंने अभी कमरे में बांध दिया क्योंकि बाहर यार काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, तो इसलिए अभी मैं लेके जा रहा हूँ मिस्त्री भाइयों के लिए खाना। भुख लगी थी मिस्त्रियों को? हाँ जी, भुख ज्यादा लगी थी। भुख नाल जी हमारे खालिद मिस्त्री भाई, सब तो ज्यादा किनू भुख लगी थी? खालिद भाई नू, भाई गलदार तो नहीं लगी थी? चल फिर मनु भी सालों बाद मनु भी बड़ी लगी दी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी जानवरों के लिए चारा लेने। तो बारिश के बाद का मौसम जी इस तरह का जी, हमारे विलेज के जो रास्ते हैं ना, जिस साइड से मैं चारा लेके आता हूँ, इस तरह का रास्ता ये हमारा। और माशाल्लाह गंदम की जो फसल है ना वो इस टाइम पूरे अरूज में, और विलेज में हर साइड पे हरियाली ही हरियाली है, सब्जा ही सब्जा, यानी कि ये देख लें हर साइड पे माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है। अच्छा यार, अभी हम निकलने लगे हैं
प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन के पैप वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं। आज टाउन नहीं जाना, मुश्ताक भाई से पूछते हैं कि कहाँ जाना है। मेरे ख्याल से वो तो कहते हैं कि मसियाल जाना है और शायद टाउन ना जाना पड़े। भाई मुश्ताक लोग आगे जा रहे हैं और मैं दूसरी बाइक हूँ। बंद प्लग 15, हुक 15, हुक 15, हुक लोहा जी। अभी हम कर रहे हैं जी रक्षे पे सामान लोड, टैंकी और पैप वगैरह दूसरे रख दिए और ये सिर्फ बड़े पैप रह गए हैं। अभी ये भी एक साइड पे बांधने रक्षे के ऊपर। भाई पोला में मिल गए हैं और काफ़ी दिन हो गए थे कटिंग, ये देखे खाते और कटिंग करवाए हुए और अभी करवाते हैं जी, कटिंग और खाद करवाते हैं जी देसी स्टाइल के साथ। तो लो जी अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग और खाद वगैरह भी करवा लिया। तो काफ़ी दिन के बाद भोला भाई मिले थे तो इनसे जो आज कटिंग और खाद करवाया है। कुछ पाइप डाल दिए हैं भाई ने और अभी कुछ रह गए हैं, ये भी लगा दिए हैं और ये भी, और अभी वो मेन डीपी बॉक्स रह गया और वो तो शायद है दूसरा पानी की वायरिंग वाला वो, और ये बिजली वाली इलेक्ट्रिशियन वाली। और कमरे में लगे हुए हैं जी इस साइड पे मोहसन भाई और खालिद भाई और इस साइड पे हसन भाई, तीनों मिस्त्रियों का आज कंपटीशन है। जो पहले दीवार जो है प्लस्तर करके नीचे उतर जाएगा गोल से उसको एक कप चाय मिलेगी, है मोहसन जी सही गल है ना, जब फिर लवली देख पता। तो भी देखते हैं जी कंपटीशन कौन जीतता, हसन भाई जीतते हैं या मोहसन या खालिद। खालिद भाई की सबसे बड़ी दीवार है, मोहसन और हसन भाई की सेम ही है। और हमारे सीनियर उस्ताद शाह जी अल मशहूर अमरूफ ना चाक के या कल तुम्हें कहना भी मैं तो ना ला हसन लाए, हाँ हसन जान लगे रहे ना तो बहुत कर छड़ा है हसन ने आकर के सीमेंट बाद गया ते जाने नहीं। हाँ जी हसन है, चलो कोई किन समझेगा। तो लो जी कंपटीशन, मोहसन भाई हार चुके हैं, हसन भाई वो दीवार पे लगे हुए थे और खालिद भाई इस दीवार पे, वो दोनों चला गए हैं। और हसन भाई को अभी दोपहर के खाने के टाइम जो ना जो बाद में चाय मिलती है ना वो आज एक कप चाय नहीं मिलेगी। अच्छा रात को यार हम सामान जब लेके आए थे ना लेट हो गए थे और आज है दूसरा दिन और अभी भाई लोगों ने कुछ पैप लगा दिए और अभी कुछ रहते हैं। तो बस आज की वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म, इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।